आज हम बहुत ही यूनिक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिसे कहते हैं मड़भत्ता या फिर मड़गिल्ला। सबसे पहले हम इसको चावल डालेंगे इसमें और पानी की मात्रा ज्यादा रखेंगे। मड़भत्ता के साथ चोखा का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, इसके लिए हम आलू पानी में ही डाल के हम उसमें नमक डाल देंगे एक ही बार ताकि वो अच्छे से पक जाए। इसके बाद हम इसे बंद कर देंगे और तीचड़ी में जितना समय लगता है उतनी ही सीटी हम इसमें लगाएंगे। जब तक हमारा मड़भत्ता उधर तैयार होता है तब तक हम छानेंगे चिप्स। तो हम यहाँ पे चिप्स छानने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद हम अपने चिप्स को डालेंगे और एक एक करके चिप्स को छान लेंगे। ये चीज़ खा करके तो कितने ही लोग जिंदा है और कितने बड़ों लोगों का नॉस्टैल्जिया इसमें इंक्लूडेड है, जिसे कहते हैं मड़भत्ता, जो अक्सर गाँव में खाई जाती है। हमारी सीटियाँ कम्प्लीट हो चुकी है, ढक्कन निकालेंगे एंड देन चेक करेंगे कि हमारा मड़भत्ता कैसा बना है। अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ी सी पानी की कमी है, पूरा टाइट हो चुका है, तो आप फिर से पानी बराबर से डाल के उसको वापस से चढ़ा करके मिक्स करें। इधर हमने आलू को निकाल लिया है और आलू को छौका लगाया जाता है, तड़का लगाया जाता है, जिसके लिए आपको एक लाल मिर्च जिससे सोंधी सोंधी खुशबू आती है, एंड देन जीरे से आपको तड़का लगा देना है। नमक वगैरह डाल के आप इसमें धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसको मैश कर देना है चोखे के लिए। फिर हम प्लेट लेते हैं, उस पर अपना मड़भत्ता सर्व करते हैं एंड देन चोखा ऐड करते हैं। उस अचार हो गया, पापड़ हो गया, सैलड हो गया, इन सब चीज़ों के साथ आप जब मड़भत्ता को खाएंगे ना तो क्या ही स्वाद होता है, बिल्कुल ही आनंदमय हो जाता है जीवन। फिलहाल हम इन सब चीज़ों को ही ऐड करते हैं और अभी ये हो चुकी है खाने के लिए बिल्कुल तैयार। चावल बहुत ही गीला गीला सा रहता है, जैसा कि खिचड़ी का टेक्सचर होता है, उसी तरीके से हम बनाते हैं मड़भत्ता या फिर मड़गिल्ला। बहुत सारे वर्ड्स इसके लिए यूज़ में आते हैं। क्या ही स्वाद है, आनंद आ गया। और भाई साहब दूसरी वीडियो लेके जल्दी आएंगे, और थोड़ा भाई साहब थोड़ा इंतजार करिए।